बोर्ड परीक्षा के सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले ये मैथ के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं, जो आपके हाफ ईयरली या बोर्ड या फिर किसी भी टेस्ट में ये अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो भी मैं ये क्वेश्चंस हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। क्लास टेंथ का है मैथ क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी एक ठोस क्या बनाया जाता है? घनाभ। ठीक है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको चार नंबर दिए जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में चार नंबर फिक्स है कि आपको मिल जाएगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक घनाभ बना लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे हम घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो 64 सेंटीमीटर दिया गया है वो घन का आयतन दिया गया है। अब इसका फिगर बना है ये आकृति, जिसमें ये पहला घनाभ है और ये हमारा दूसरा घनाभ है। यानी जब दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया तो आपका कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना, जिसे हम यहाँ पे घनाभ का नाम दिए। यानी दो घनों को संलग्न कर बनी भुजा घनाभ कहलाती है। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसमें हमें पता नहीं है कि इसकी भुजाएं कितनी हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे घन का आयतन, फार्मूला है घन का आयतन बराबर ए क्यूब। यानी घन का भुजा, या फिर हम इसे कह सकते हैं भुजा का घन। तो यहाँ पर घन का आयतन ए क्यूब होता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे आयतन का मान रख देंगे। यहाँ पर ए है घन की भुजा, यहाँ पर आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 64 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर ए माना है हम कि घन की भुजा है, तो यहाँ पर हम इसे ए क्यूब ही रहने देंगे, क्योंकि ये घन की भुजा माने हैं। यानी ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर है, तो इसे हम अगर सही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमारा रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट 64। अब यहाँ पे हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 64 का हो जाएगा, क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64। जब आप 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो जाके आपका 64 आएगा। यानी ए बराबर आपका 4 आ गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं घन की भुजा
बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि घन की भुजा, यानी कि यहाँ पे दो घनों को मिलाकर, यानी जो घन दिए गए थे दोनों को जो मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर बना है उसकी भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है, कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो ये वाली भुजा है इसको हम क्या कह सकते हैं, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई भी हम कह सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई, सॉरी ये आपकी ऊंचाई हो गई। अगर हम बात करें इसके लंबाई की, तो एक घन की भुजा यहाँ से यहाँ तक हो गई और दूसरी की यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा है, दोनों को मिलाकर ही ये पूरा भुजा बना है। तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, यानी दोनों 4-4 हो गए। तो टोटल अगर यहाँ पर देखें तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है, सॉरी इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो घनाभ तैयार हुआ है उसकी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं घनाभ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर हम यहीं पर घनाभ की चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, और यहीं पर अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये भी है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें पता चल चुकी है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पे अब हम प्रश्न में देखेंगे, तो प्रश्न हमारा कहता है, क्वेश्चन में आता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे L है लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है। जो लंबाई है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 × अब भी क्या है, चौड़ाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पे B चौड़ाई है, तो यहाँ पे हम 4 राइट कर देंगे और यहाँ पे × लगा देंगे। और H क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऊंचाई है, तो यहाँ पे हम 4 राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे H क्या है, 4 है और
एल क्या है, 8 है, इंटू 8 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर अब हम इसको जोड़ देंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 और यहाँ पे प्लस 8 चौके 32 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 32 32 64 होता है और यहाँ पे अगर हम 64 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 80 आएगा और फिर यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा 160 सेंटीमीटर है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है।